सो गाइस, काफ़ी अच्छा मौसम लग रहा है और अभी सुबह का टाइम है तो सो बारिश हो रही है और पूरा ग्रीनरी टाइप का लग रहा है, पूरा हरा हरा। सो आप तो देख ही सकते हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है और वेदर थोड़ी सी ठंड ठंड वाली हो रही है। गुड मॉर्निंग, और अभी बज रहे हैं 12। सो हम चल रहे हैं घर में और घर काफ़ी ज़्यादा मैसी है, सो इग्नोर कीजिएगा। और बस हम आ गए हैं किचन में। सो यहाँ पे चढ़ा है हमारा लौकी का भाजी, इसमें चढ़ाई हूँ दाल, और यहाँ पे सोच रही हूँ आलू के कुछ बड़े बनाऊँ। सो बस ये कर रही हूँ, और ये रोटी रात का बच गया है तो मैं साइड में इसको रख रही हूँ, और यहाँ पे मैं लहसुन को अच्छे से ये कर ले रही हूँ। सो गाइस, यहाँ पे हमारा केन ख़राब हो गया था, पानी नहीं आ रहा था, तो यहाँ पे हम लोग कॉल किए तो भैया आए थे उसको ठीक करने के लिए, तो बस वो अभी चेक कर रहे हैं। तो अंदर का कुछ था कि उसे चेंज करना था, तो बस वो भैया चेंज कर लिए और ये हमारा चेंज हो गया। ठीक कि हम आएंगे, दीदी तो नहीं आई। दीदी को फोन लगा के बोले, पूछो दीदी से कि दीदी तुम बीची बीची क्यों बोली हमको कि खा रही थी। अच्छा, चावल प्रास खा रही थी। अच्छा, कैसे खाई हो तुम ऐसे? इश, अब पढ़ाई नहीं करना है? पढ़ना है ना? नहीं पढ़ना का है? मोटू पतलू देखना है? अच्छा, चीकू बंटी चिंगू बंटी देखना? पढ़ना नहीं है ना, तो टीवी देखना है। क्या देख रही हो पीहू? क्या देख रही हो? क्या देख रही हो फोन में? दिखाओ हमको भी, दिखाओ क्या देख रही हो फोन में। एप कैसे लिखी हो बेटा? एप कैसे लिखी? एप को मिटाओ, ठीक से लिखो। एप के बाद क्या होता है? जी होता है ना, तुम गलत लिखी हो, ठीक करो उसको। इरेजर लो, लो इरेजर से उसको ठीक कर। एफ को भी हटाओ, एफ अच्छे से लिखो। कैसा एफ लिखी हो देखो तो, एफ ठीक से लिखो।
गाइस ये है पीयू का होमवर्क। सो यहाँ पे पीयू अपना होमवर्क कंप्लीट कर ली है, आप लोग देख सकते हैं। सो पीयू एन फॉर ओ फॉर तो गाइस ठंड बहुत ज़्यादा थी तो मन किया कि आलू का पराठा बना लूँ, तो डिनर में मैं बना रही हूँ आलू के पराठे। सो गाइस यहाँ पे हो रही है हमारी प्रिंसेस की एक्टिंग, सो देखिए वो कैसे एक्टिंग कर रही है। तो गाइस ये है हमारा रेलवे कॉलोनी, काफ़ी प्यारा लग रहा था, टेरिस पे थे तो अच्छा ही लग रहा था। बस चलो थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लूँ, आप लोगों को भी दिखाऊँ। सो गाइस सब बच्चे यहाँ पे पढ़ाई कर रहे थे और जैसे ही मैम छुट्टी देती बस सब बच्चे खेलने लगे, आप लोग देख ही सकते हो। और धूप भी अच्छी थी तो बस सब बच्चे इंजॉय कर रहे हैं। सो गुड मॉर्निंग गाइस, और अभी सुबह के बज रहे हैं 10:30। बस जस्ट अभी नहा के आई हूँ तो सोचा चलो धूप में थोड़ा टहल लूँ। और काफ़ी ज़्यादा सुबह के टाइम तो बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, पर दो इस वक्त क्या है ना थोड़ा सा धूप हो जाता है तो सही लगता है। और यहाँ पे चल रही है बिल्डिंग की डेंटिंग पेंटिंग, आप लोग देख ही सकते हैं कलर हो रहा है, रिपेयरिंग हो गया था बहुत काफ़ी पहले, बट एक एक करके सब कुछ कर रहे हैं तो यहाँ पे कलर हो रहा है, मैक्सिमम तो हो चुका है, बस इस साइड का थोड़ा बाकी है। ये भैया लोग जो बिल्डिंग को ये कर रहे हैं ना, वो सुबह सुबह ही आ जाते हैं 8 बजे, तो अलग अलग होता है तो समझ में आ जाता है कि हाँ मिस्त्री लोग आए हुए हैं। तो बस यहाँ पर सब कुछ धूप खाने के लिए बैठे हैं, तो बस हाँ चलते हैं अभी और देखते हैं। और कलर हो जाएगा ना तो फिर आप लोग को दिखाएंगे कि हाँ कैसा लग रहा है कलर होने के बाद, और कलर होने से पहले देख लीजिए और कलर होने के बाद देखिए। सो चलिए मिलते हैं आपसे थोड़ी देर। सो गाइस देखिए पीयू का यहाँ मेकअप, पीयू खुद से मेकअप की है और अलमारी से निकाल के वो सारा सामान देखिए क्या करके रखी है यहाँ फैला के, और दिखाई देखिए इसका।
देख सकते हैं आधा कलर हो चुका है और आधा भी बाकी है। सो बस काफ़ी अच्छा लग रहा है कलर होने के बाद। सो गाइस ये रहा हमारा बिल्डिंग, पूरा कलर हो गया है और इधर साइड से आप लोग देख सकते हैं बाकी है। सो बस वो हो रहा है और सामने से पूरा कंप्लीट हो चुका है। सो काफ़ी अच्छा लग रहा है ना, कलर हो रहा है और ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और इधर हो जाएगा। अभी तो इधर पे काम चल रहा है। तो गाइस ये मॉर्निंग का क्लिप है और यहाँ पे सब्जी वाले भैया आ गए। आप लोग देख सकते हो ना कितना फ्रेश सब्जी है। ये ब्लॉग काफ़ी ज़्यादा 3 दिन से कंटिन्यू कर रही हूँ तो सोचा चलो इस ब्लॉग का करती हूँ ज़्यादा इन। सो गाइस चलिए अब आपसे मिलते हैं न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।